हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, वित्त क्या होता है और उसके प्रकार देखेंगे। ठीक, पहले जानते हैं हम कि फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस की मीनिंग को समझते हैं। फाइनेंस क्या होता है? पैसे के कैश फ्लो के बारे में बताता है। ठीक, पहला क्या है कि फाइनेंस का मतलब क्या होगा, जो भी पैसे के कितना कैश फ्लो हुआ उसके बारे में बताता है, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। दूसरा, वो पैसे हम कहाँ, व्हेन, वेयर, कब, ठीक, उसको इन्वेस्ट करना, बोरो करना, बोरोइंग, बजटिंग करना, सेव करना, लेंडिंग करना, ठीक, एलेक्सेट्रा, क्या कहलाता है पूरा फाइनेंस। तो फाइनेंस वित्त क्या मतलब होता है कि फाइनेंस का मतलब पैसे का कैश फ्लो के बारे में हमें क्या बताता है, ये कौन, इसी को कहते हैं फाइनेंस। फाइनेंस, अब वो पैसे हम कहाँ यूज़ किए, वे कब यूज़ किए, कितना इन्वेस्ट किए, कितना बजटिंग बोरिंग ये हम किए, तो ये क्या हमारा फाइनेंस है। अब यही जो फाइनेंस होता है इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंस, नेक्स्ट होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक, पर्सनल का मतलब होगा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, वृत्त। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, लोकवित्त, और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब हो गया कंपनी। तो फाइनेंस क्या होता है, हम पहले ये जानेंगे कि फाइनेंस वित्त का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास जो हमारे कैश फ्लो हैं पैसे के, उसके बारे में ये बताता है फाइनेंस, उसी को हम कहते हैं फाइनेंस। वो पैसे हम कहाँ यूज़ किए, कब यूज़ किए, कैसे यूज़ किए, कहाँ से बोरो किए, ये क्या बताता है हमारा फाइनेंस। यही फाइनेंस जो वित्त होता है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पर्सनल फाइनेंस, जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व वित्त, पब्लिक फाइनेंस जिसको बोलते हैं लोक वित्त, तीसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसको कंपनी वित्त कहते हैं। पहला जो होता है हमारा पर्सनल फाइनेंस, पहला होता है हमारा व्यक्तित्व वित्त। व्यक्तित्व वित्त वो होता है एक इंडिविजुअल जो अपने फाइनेंस या मनी को मैनेज करता है अपनी अर्निंग के हिसाब से, अपनी बजटिंग के हिसाब से, और उसे इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल का मतलब वो, अगर वो इंडिविजुअली वो पैसा मनी मैनेज करता है अपनी अर्निंग के हिसाब से, बजटिंग इन्वेस्ट करता है, तो वो हमारा पर्सनल फाइनेंस। ठीक, तो इंडिविजुअल क्या करता है, अपने मनी को क्या करता है, अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करता है, बजटिंग करता है, और ETC, तो क्या हो गया पर्सनल फाइनेंस। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा क्या है पब्लिक फाइनेंस मीन्स लोक। लोक वृत्त कब देखेंगे, जब ये गवर्नमेंट से रिलेट करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा पब्लिक, मीन्स ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो कहाँ कहाँ से होती है, और उसको
एक्सपेंड करना, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, पब्लिक फाइनेंस होता है। तीसरा होता कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस जिसको बोलते हैं कंपनी वित्त। कंपनी वित्त क्या होता है, ये क्या होता है, ये कंपनी से रिलेट होता है, इससे कंपनी से रिलेट होता है। और कंपनी क्या है, एक कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लेवल अपने मनी को या फंड्स को किस तरह एलोकेट करना, मैनेज करना, ठीक है। एक कंपनी है जो क्या करता है, उस मनी या फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, ये क्या कहलाता है, कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, पहला कि फाइनेंस होता क्या और उसके टाइप्स। फाइनेंस क्या होता है, वित्त क्या होता है, फाइनेंस हमने पढ़ा कि उसकी मीनिंग क्या होती है, कि जो भी पैसे के बारे में जो हमें कैश फ्लो बताता है वो हमारा होता है फाइनेंस। अब वो पैसे हम कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो क्या हमारा फाइनेंस हो गया। फाइनेंस भी तीन तरह के होते हैं, पहला होता है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंस, तीसरा होता है कॉरपोरेट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस जो होता है व्यक्तित्व वृत्त, व्यक्तित्व वृत्त किसे कहते हैं, जो पर्सनली पर्सनली क्या हुआ, वो एक इंडिविजुअल पे बेस्ड रहता है कि वो अपने मनी को कैसे मैनेज करता है अपनी अर्निंग के हिसाब से, ठीक है, उसको कैसे इन्वेस्ट करता है, एक इंडिविजुअल पे देखा जाएगा। दूसरा पब्लिक फाइनेंस जो लोक वृत्त, जो ये करता है गवर्नमेंट से रिलेट करेगा और गवर्नमेंट की जो भी अर्निंग कहाँ कहाँ से होती है उसको एक्सपेंड करना जो है वो पब्लिक फाइनेंस, इसको लोक वृत्त कहते हैं। तीसरा है जो कॉरपोरेट फाइनेंस मीन्स कंपनी वृत्त, मीन्स जो कंपनी से रिलेट करता है, मीन्स कंपनी के कि वो अपने मनी या फंड्स को कैसे एलोकेट करता है, ये देखता है कॉरपोरेट फाइनेंस।